सवाई माधोपुर एसीबी ने आज जलदाय विभाग के सहायक कार्यालय में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने जलदाय विभाग के सहायक कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में समूची कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा के अनुसार रसूलपुरा निवासी परिवादी खुर्शीद खान के पिता इशाक मोहम्मद जलदाय विभाग से रिटायर्ड हुए थे। परिवादी के पिताजी केपीएल के जमा पैसे पास करवाने व अन्य रिटायर्ड संबंधित कार्यों को करने की एवरेज में आरोपी वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर एसीबी अधिकारियों को दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की पुष्टि हुई है। इस पर आज एसीबी की टीम ने जलदाय विभाग सहायक अभियंता कार्यालय में ही आरोपी को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी द्वारा आरोपी वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को समूची कागजी कार्रवाई के बाद एसीबी कोर्ट भरतपुर में पेश किया जाएगा। अधिकारी को पकड़ा, क्या मामला है पूरा, कितने की रिश्वत ले रहा था? ये परिवादी खुर्शीद खान के पिता इशाक मोहम्मद अभी कुछ महीनों पहले रिटायर हुए थे। उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और तो मिल चुके, लेकिन जो उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि है वो ये अटकाए हुए था बाबू, बार बार कहने के बावजूद भी बिल तैयार करके वहाँ सबमिट करके वो राशि इसके खाते में नहीं भिजवा रहा था और उसके बदले में रिश्वत की मांग कर रहा था। परसों शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो शिकायत सही पाई गई 10,000 रुपये की डिमांड की। उसके बाद में आज चेक कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो इसने 10,000 रुपये फाइल के नीचे रख पाए, जिसकी पुष्टि हुई वार्ता में। उसके बाद में राशि बरामद करके गिरफ्तार किया। तो क्या कुल जो बस्टा जो राशि बता रहे थे 10,000 बता रहे थे, उससे अधिक मांग कर रहा था? पहले सत्यापन से पहले 50 मांगे बताए, फिर 30 किए, लेकिन सत्यापन में 10 की आई है। उसने कहा साहब लास्ट बता दो, कम से कम बता दो, इतना तो नहीं हो पाएगा, मैं तो 10 कर देना।